हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स की। समझ में आ गया? अच्छा, सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स इसके लिए देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको आप लोग बहुत तेजी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। ये वाला इंटीग्रेशन आप लोग ने देखा रहेगा, इंटीग्रेशन में इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बोला जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये फॉर्म में है, 1 upon ax square plus bx plus c, तो इसको आप लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट ट्रिक से। समझ में आ गया? तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से काफी सम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, खाली करना क्या पता है, क्या एक कंडीशन है जो आप लोगों को चेक करना है शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए। देखो, ax² + bx + c, x स्क्वायर के साथ आया a है, x के साथ b, और जो कॉन्स्टेंट है वो c है। तो आपको बस ये कंडीशन चेक करने का, 4ac - b² must be greater than 0। आपको ए बी सी यहां से मिल जाएगा, बस आपको ये पुटअप करने का और देखने का है कि भाई जो इसका आंसर आ रहा है वो जीरो से ग्रेटर है क्या नहीं। एक बार इसका आंसर जीरो से ग्रेटर है तो आंसर देखो ये फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? न्यूमरेटर में 2 लिखने का, अपॉन में अंडर रूट -4ac - b², इसका जो भी आंसर है वो इधर लिखने का, 10 inverse ax² + bx + c का डेरिवेटिव, ये जो भी है उसका डेरिवेटिव, और अपॉन में वापस से अंडर रूट में 4ac - b², इसका जो भी आंसर है वो इधर लिखने का। समझ में आ गया? तो ये अभी खाली है ना, ये कंडीशन देखने के लिए ना आप लोगों को थोड़ा सा टाइम जाएगा। समझ में आ रहा है? बाकी ये आंसर लिखने में ज्यादा टाइम नहीं जाता। क्यों पता है क्या? अंडर रूट लिखने का है और ये जो वैल्यू है ना आपको इधर पुट अप करके सॉल्व नहीं करने का, ये ऑलरेडी आप लोगों ने इधर चेक कर लिया रहेगा। इसका जो भी आंसर आया रहेगा वो इधर लिखने का, इसका जो भी आंसर है इधर, और इसका तो डेरिवेटिव बहुत आसान है। देखो, डैश है, डेरिवेटिव है, ये बहुत आसान है। समझ में आ गया? तो हम शॉर्टकट ट्रिक समझ रहे हैं, लेकिन कौन से फॉर्म के लिए? इंटीग्रेशन में ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके लिए सॉल्व करने का तरीका, बस ये कंडीशन चेक करो, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, उसका आंसर ये फॉर्म में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप का इंटीग्रेशन है, एंट्रेंस के लिए बहुत काम आएगा। ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, इंटीग्रेशन 1 upon x² + 4x + 5। आप लोग खाली बता दो यही वाला फॉर्म है। अब इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने का तो फटाफट आप लोग ये कंडीशन चेक करो और आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो आप लोग आंसर ये फॉर्म में लिख सकते हो। ध्यान से देखो, तो 4 a अपना क्या है, 1 है, c कितना है अपना 5, -b² बोले तो 4² कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 4 5 20, -16 कितना आएगा 4, 4 क्या है ग्रेटर देन 0, बोले तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और याद रखो, 4ac - b² का आंसर कितना आया है 4। अब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका आंसर क्या आएगा पता है ना, 2 upon √4ac - b² बोले तो क्या आएगा 4, 10 inverse। अब इसका डेरिवेटिव लिखने का, x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4, 5 तो क्या है कांस्टेंट भूल जाओ, अपॉन में अंडर रूट, वापस से क्या आएगा देखो आंसर में, ये लिखने का है 4। इतना आसान है, प्लस सी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो अंडर रूट 4 कितना होगा 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, बात नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, 10 इनवर्स। देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, इसका आंसर 2, 2 और 2 कैंसिल, बचेगा x + 2 + c। कितना सिंपल है, समझ में आ गया? आप लोग खुद से एक एग्जांपल क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ में आई रहेगी। बस खाली कंडीशन चेक करने का, याद रखने का, आंसर लिखना बहुत आसान है। प्लीज आंसर लेस देन 5-10 सेकंड में आप लोगों का आ जाएगा। समझ में आ गया? तो थैंक यू वेरी मच।